सब्सक्राइब कीजिए मेरे स्मार्ट नीटिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री में है। हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नीटिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आपको जो एक डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगी, इसे आप लेडीज़ स्वेटर पे या जेंट्स स्वेटर पे, लेडीज़ कार्डिगन पे डाल सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। देखिए, चलिए आइए बनाते हैं। इसे मैंने 12 के मल्टीपल फंदों में बनाया है, प्लस यहाँ पे दो हमारे उल्टे आएंगे और यहाँ पे दो उल्टे आएंगे, बीच में दो उल्टे आएंगे। मतलब कि हमें 6 फंदे जो हैं उल्टे बनाने के लिए, दो हमारे गैप के लिए आएंगे, दो इस वाली साइड पे उल्टे, दो इस वाली साइड पे उल्टे। चलिए आइए बनाते हैं। एक फंदा तो हमारा ये एज स्टिच है, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे और दो फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आएंगे। ये देखिए, दो स्टिच हमारे यहाँ पे उल्टे बनेंगे, 1 और ये 2। 2 स्टिचेस उल्टे बनाने के बाद हमें धागे को पीछे करना है और यहाँ पे 4 स्टिच हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। 4 स्टिच हमने सीधे बनाने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 का 1 बनाना है, धागे को पीछे ही रहने देना है और 2 फंदों का हमने यहाँ पे 1 बनाना है। ये देखिए, 2 का 1 बना लिया हमने, धागे को आगे किया, फिर से हमने इस वाले फंदे को सीधा करना है यहाँ पे, इस वाले फंदे को सीधा करके यहाँ पे फिर से 2 का हमने 1 बनाना है। मतलब कि हमारी यहाँ पे एक जाली बनेगी। ये देखिए, ये हमारा एक फंदा जाली वाला है, जाली बनेगी, मतलब कि बीच में 2 फंदों के बीच में हमारी यहाँ पे जाली बनेगी। और फिर से 4 स्टिच हमें, 4 स्टिच जो हैं हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। 4 स्टिच सीधे बनाने के बाद 2 फंदे हमारे बीच में गैप के लिए उल्टे आएंगे और फिर से 4 स्टिच जो हमने सीधे बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। 4 स्टिच सीधे बनाने के बाद हमने यहाँ पे फिर से 2 का 1 बनाना है, 2 का 1, धागे को आगे किया, फंदा सीधा किया और फिर से 2 का 1 बनाना है यहाँ पे, 2 का 1 बना लिया, फिर से 4 स्टिच हमारे सीधे बनेंगे और 2 स्टिच हमारे उल्टे बनेंगे और 1 हमारा जो है एज स्टिच है उसे हमने बना लेना है ऐसे ही। अब आ जाइए रॉन्ग साइड पे, सेकंड रो है हमारी। रॉन्ग साइड पे हमें कैसे करना है, ये एक तो हमारा एज स्टिच है, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे और जो हमारे उल्टे फंदे थे बीच सीधी साइड से, यहाँ पे हमारे सीधे दिखेंगे, वो हमने सीधे बनाने हैं, 2 फंदे हमारे सीधे आ गए। और देखिए, अब ये 4 स्टिच हमारे जो सीधे थे अब यहाँ पे उल्टे बनेंगे। कैसे बनने हैं उल्टे, 1 2 और ये 3। 3 स्टिच हमें उल्टे बनाने हैं, पहले 4 बनाए थे, अब 3 स्टिच हमने उल्टे बनाने के बाद इन 2 फंदों को हमने 1 बनाना है पीछे से। कैसे बनाने हैं ये देखिए, ये पीछे से आगे की तरफ हमने ये 2 फंदे सीधे बनाने हैं, सीधी तरफ से हमने इस वाले फंदे को आगे लेके आना है, मतलब कि हमारा सीधा दिखाई दे राइट साइड से। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे 2 का 1 बनाना है।
चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, इस फंदे को निकाल करके इसे हम पीछे लेके जाएंगे और इस वाले फंदे को हम ऐसे आगे लेके जाएंगे और दो का हमने यहाँ पे एक बना देना है। ऐसे दो का एक बन गया और ये जो हमारा यहाँ पे हमने जाली वाला फंदा जैसे बनाते हैं वो बनाया था, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए इसे हम छोड़ देंगे और दो का फिर से यहाँ पे एक बनाना है। पहले हमने यहाँ पे एक बल लगा लेना है और दो का हमने एक बना लिया और तीन फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आएंगे, 1 2 3। थ्री फंदे उल्टे बनाने के बाद दो फंदे हमारे जो गैप वाले हैं वो सीधे आएंगे, फिर से 3 उल्टे। ये हमारी रॉन्ग साइड है, सेकंड रो है। 3 उल्टे बनाने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दो फंदों का एक बनाना है। पीछे से सिलाई हम ऐसे निकालेंगे दो फंदों में से, ये पीछे से ऐसे सिलाई निकाल करके हम दो फंदों को उल्टा बनाएंगे। उल्टी साइड से सिर्फ हमें ऐसी सिलाई निकालनी होगी, सीधी तरफ से हमारा ऐसे ही बनेंगे जैसे हम बनाते आए हैं। इस वाली जाली को हम छोड़ देंगे और दो का फिर से यहाँ पे एक बनाएंगे और तीन फंदे हमारे उल्टे बनेंगे आगे वाले और दो फंदे हमारे यहाँ पे सीधे बनेंगे और ये हमारा एज स्टिच है, इसे हम ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए थर्ड रो हमारी स्टार्ट होने वाली है। थर्ड रो हम कैसे बनाएंगे, एक फंदा हमें सीधा बनाना है और दो हमारे उल्टे आएंगे, दो उल्टे बनाने के बाद जहाँ पे अब हमारे पास तीन फंदे उल्टे हैं सीधे हैं, अब दो होंगे, एक और दो, दो फंदे बनाने होंगे हमें यहाँ पे सीधे। दो फंदे बनाने के बाद यहाँ पे इन दो का हमने एक करना है, दो का एक किया, अब यहाँ पे हमने दो जालियाँ बनानी हैं, दो बार हमने धागे को सिलाई के ऊपर रैप करना है और इन दो का हमने यहाँ पे एक बना लेना है। देखिए ऐसे एक बना लिया, अब दो फंदे हमारे सीधे आएंगे और दो उल्टे आएंगे, दो फिर से सीधे और दो का यहाँ पे एक करना है, ये हमने छोड़ देना है। जो हमने बल बनाया था यहाँ पे रैप किया हुआ था सिलाई को इस धागे से, इसको हमने छोड़ देना है और यहाँ पे दो बार रैप करना है, एक दो बार रैप किया और इस फंदे को सीधा करके यहाँ पे दो का एक बना लिया और दो फंदे हमारे सीधे आएंगे, दो उल्टे आएंगे और ये हमारा एज स्टिच है, इसे हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते आए हैं। चलिए अब हमारी रॉन्ग साइड है, यहाँ पे 1 एक स्टिच तो हमने ऐसे ही लेना है और दो स्टिच हमने यहाँ पे सीधे बनाने हैं। अब हमारे पास एक स्टिच जो है उल्टा बनेगा, इन दो का हमने पहले की तरह एक बनाना है। ये देखिए ऐसे पीछे से हम सिलाई लगाएंगे और आगे की तरफ ला करके, पीछे से ला करके आगे की तरफ दो का हमने एक बनाना है। ये जो हमारा बल है इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे 1 2 ये 3 तीन बल लेकर के दो का हमने यहाँ पे एक बना लेना है। दो का एक, एक फंदा उल्टा हमारे पास आएगा और दो फंदे हमारे पास सीधे आएंगे, एक फंदा फिर से उल्टा आएगा और यहाँ पे हमने फिर से दो का एक बनाना है। ये पीछे से सिलाई हमने ऐसे निकाल करके, आप ऐसे बना लीजिए
चाहे आप इस फंदे को जहाँ पे छोड़ करके इसको इसमें लेके और इसको इस सिलाई में लेकर के दोनों को हमने ऐसे दो का एक बना लेना है। और ये जो बला हुआ धागा है इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, रैप किया हुआ धागे को छोड़ देंगे और दो का यहाँ पे एक बनाना है। कैसे? पहले हम यहाँ पे रैप करेंगे तीन बार और यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ये एक फंदा हमारा उल्टा, दो सीधे आएंगे और एक हमारा ये एज स्टिच है। अब नेक्स्ट रो पे आ जाते हैं हम। एक फंदा हमारा सीधा आएगा और दो हमारे पास फिर से उल्टे आएंगे। ये हमारी राइट साइड है, दो उल्टे आएंगे। यहाँ पे हमें दो का एक करना है। ये देखिए, दो का हमने एक किया और इस वाले धागे को हम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। छोड़ दिया, यहाँ पे हमने नए स्टिच बनाने हैं। न्यू स्टिच हमने बनाने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर स्टिच हमने नए बना करके यहाँ पे देखिए, एक दो तीन चार, ये हमारे चार धागे हैं। लास्ट वाले धागे के नीचे से हमने निकालनी है सिलाई और एक फंदा सीधा बना लेना है। ऐसे सीधा बना लिया, यहाँ पे हमारे दो फंदे होने चाहिए। एक धागे को फिर से आगे करना है, एक फंदा हम फिर से सीधा बनाएंगे और यहाँ पे धागे इस वाले फंदे को सीधा करने से पहले चार स्टिच हमने फिर से नए वाले बनाने हैं, वन टू थ्री और ये फोर। फोर स्टिच हमने सीधे बनाने के बाद यहाँ पे दो का एक बना लेना है और दो फंदे हमारे सीधे आएंगे। यहाँ पे फिर से वही रिपीट करना है, दो का एक और चार फंदे हमारे नए बनेंगे, टू थ्री और ये फोर। फोर फंदे बनाने के स्टिच बनाने के बाद हमने यहाँ से, ये देखिए, ये चार हैं हमारे पास धागे, वन टू थ्री फोर। यहाँ से हमें सिलाई को निकालना है एक बार और दो बार हमें यहाँ पे बनाना है। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे फिर से हमें चार स्टिच नए वाले बनाने हैं, वन टू थ्री और ये फोर। और यहाँ पे हमने दो का एक बना लेना है। फिर से दो फंदे हमारे उल्टे आएंगे और एक फंदा हमारा ये एज स्टिच है। अब हमारी रॉन्ग साइड है, एक फंदा हमने ऐसे ही बनाना है, उतारना है। दो फंदे हमारे पास सीधे आएंगे और ये फंदे हमने जो चार नए बनाए हैं इन्हें हमने उल्टा बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए, इन दो का हमने यहाँ पे एक बना लेना है। ये हमारे तीन जो स्टिच बीच में वाले थे, दो का एक बना लिया और ये फंदा हमने ऐसे ही बनाना है और बाकी हमारे सारे उल्टे आएंगे। दो फंदे हमारे बीच वाले सीधे आएंगे और ये फंदे हमारे उल्टे आएंगे। दो का एक बना लिया बीच वाला, बाकी सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। देखिए, ये ऐसे डिज़ाइन बनेगा। ये बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में बहुत ही सुंदर है। आप इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाइए, इसी फंदों को, इन्हीं फंदों को
रिपीट करते जाइए तो आपका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा और बन जाएगा। थैंक यू।